अगर आपको स्पाइसेज एक्सपोर्ट करना है क्योंकि स्पाइसेज की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो इस टाइम पे रॉकेट बुस्टिंग वाली है ये किसी से छिपी नहीं है लास्ट कोविड के बाद से अगर हम देखते हैं तो स्पाइसेज ही वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसने एक्सपोर्ट के इंटरनेशनल बिजनेस के पूरे इकोनॉमिक्स चेंज कर दिए पूरे आंकड़े बदल के रख दिए और जी हां दोस्तों इसी के लिए स्पाइस में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको चाहिए प्रोडक्ट सप्लायर Verified supplier. मैन्युफैक्चरर आपको चाहिए उसके बाद में उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट आपको चाहिए आपको, चाहिए, का चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा हर्डल आता है वो ये है कि अगर हम पाउच पैकेजिंग की तरफ जाते हैं तो पाउच पैकेजिंग के अंदर हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है जबकि अगर आप चाहो तो एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी एक छोटे से अमाउंट के साथ में भी आप अपने स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बिजनेस मसालों का निर्यात शुरू कर सकते हो कैसे चलिए जानते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिए नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतन कुमार वर्मा इंटरनेशनल बिजनेस एग्जाम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों स्पाइसेज ने पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आग लगा रखी है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी किसी भी लैंड पे किसी भी तरीके का क्रॉप या आयल कर सकता है लेकिन स्पाइसेज के लिए एक पर्टिकुलर लैंड चाहिए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चाहिए और भारत मसालों का अगर देश है पूरे विश्व में 107 तरह के स्पाइसेस मसाले पाए जाते हैं जिसमें से मोर देन 60 परसेंट में भारत लीडिंग प्रोड्यूसर है तो आपके पास में एक मोनोपोली प्रोडक्ट की कैटेगरी है आपके पास में मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इंटरनेशनल मार्केट में ओपन मार्केट की तरह सेल कर सकते हो और जितना भी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं स्पाइसेज में खास करके उसका सिर्फ आठ परसेंट ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक प्रोडक्ट हैं अब एक्सपोर्ट करना कैसे है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों आपको प्रोडक्ट को चूज करना होता है

कॉन्सेप्ट भी मैंने वीडियोज में बताए हैं उनको ध्यान से देखिएगा प्रीमियम पैकेजिंग के तौर पे अगर आप जाते हो तो आपको एक नया रास्ता मिलता है अपने स्पाइसेस को मार्केट में लॉन्च करने का और इसके एक कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं अगर आप मसाले निर्यात के अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ एकमात्र स्पाइसेज एक्सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो हमारी होती है हर महीने और इस बार भी 27 जनवरी 2023 को नासिक महाराष्ट्र में अवेलेबल है जिसमें आपको फैक्ट्री विजिट करवाया जाता है और ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री है जिससे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूके में ओमान में और इस बार भी ओमान का कंसाइनमेंट चल रहा है अभी भी तो मिडिल ईस्ट में कैसा माल जाता है कैसी पैकेजिंग होती है यह आप अपनी आंखों से लाइव देख सकते हो फिजिकली आप सारी चीजों को समझ सकते हो और इसके अलावा इस बार की ट्रेनिंग में नासिक ICD विजिट को भी किया गया है। 27 जनवरी को इंडियन कस्टम डे है और उसी दिन हम लोगों ने ये प्लान किया है ताकि वहां पे भी एक डेढ़ से दो घंटे का सेशन जो है वो कस्टम के ऑथोरिटीज जो है उनके साथ में प्लस सी के साथ में आपका होगा एंड अलोंग विद डैट इसके साथ में फायदे क्या हैं आपको एक पैकेजिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि विदाउट पैकेजिंग विदाउट पाउच पैकेजिंग आपके पास में क्या क्या सोर्सेज है जिनसे आप अपने मटेरियल को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हो आप रेगुलर के बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट कैसे लेके आ सकते हो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है बायर को डायरेक्ट आपको टच कैसे करना है डायरेक्ट पिंक कैसे करना है बायर सर्च के कुछ सीक्रेट मैथड जो है वो इस सेमिनार में बताए जाते हैं यानी आपको यहां एक कंप्लीट रिजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप अपने मसालों को एज एन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर जरूरत नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो आप विदाउट मैन्युफैक्चरिंग अपने ब्रांड के अंदर अपने नाम से मसालों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है और इस बार तो सोने पर सुहागा वाला काम है क्योंकि जो लोग सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं 28, 29 जेन को सेम प्लेस के ऊपर हमारा एग्जीबिशन है और यह कोई मेले वाला एग्जीबिशन नहीं है इस एग्जीबिशन में आपको जो मेन चीजें जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए होती हैं वो होती है टेस्टिंग लेबोरेटरी सीएचए फ्राइट फॉरवर्डर पैकेजिंग डिजाइनिंग पैकेजिंग मटेरियल बैंकिंग पोर्शन कंप्लाइन साइज पॉलिसी पोर्शन, ये बहुत सारी एजेंसीज जो जिसके नाम आप लोग सुनते हो और जो कभी भी एक जगह पे आपको नहीं मिलती है रखा जा रहा है दोस्तों उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई है यानी वहां पर आपको सप्लायर मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे मैनुफैक्चर मिलेंगे उसके अलग अलग, अलग प्रोडक्ट्स के ये लोग मिलेंगे उसके दो वीडियो नहीं बनाए हैं हर बार मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाता हूं। इस बार मैं भी डबल एक्साइटेड हूं रीजन ये है कि ऑलरेडी मॉब बहुत अच्छा आ रहा है और ये जो चीजें जो सोल्यूशन में लेके आया हूं ये हर एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर की नीड होती है वो समझना चाहता है सारे प्रोसेस को लेकिन ये सारी चीजें उसे एक जगह पे नहीं मिल पाती है ना वो टेस्टिंग लेबोरेटरी में जा पाता है ना वो किसी सी से फिजिकल मिल पाता है फ्राइट फॉरवर्डर नहीं मिलता है पैकेजिंग वाले नहीं मिलते हैं आपको सारा सोल्यूशन यानी आप सिर्फ वहां पर जब आप विजिट करते हो तो आपको थर्ड पार्टी आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस समझ में आ जाता है मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं उन्हीं से माल लेके वहीं पे पैकेज डिजाइन करके आप अपने माल को अपने मटेरियल को तुरंत बाहर निकाल सकते हो अपने ब्रांड के अंदर यह सॉल्यूशन आपको इंडिया में कहीं पे भी इसके पहले नहीं मिलेगा ये फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन में इसको बोल सकता हूं आगे क्या होगा मुझे नहीं पता बट ये कॉन्सेप्ट पूरा मैंने डिजाइन किया है स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स के लिए और इसमें कोई मेला नहीं लगाया जा रहा है चुनिंदा विजिटर्स को ही बुलाया जा रहा है जो सेमिनार में आ रहे हैं वो सारे के सारे उसमें कन्वर्टेड हैं वो एग्जीबिशन का पार्ट रहेंगे उसके अलावा कुछ एनआरआईज बिजनेस कंसर्न पर्सन को ही इसमें बुलाया जा रहा है तो यहां पे एक्सपो की डिटेल भी मैंने नीचे डाली है जो लोग सिर्फ एक्सपो के लिए सोचना चाहते हैं विजिट करना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं और जो लोग ट्रेनिंग का पार्ट करना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं नीचे गूगल का फॉर्म है जिसे आपको फिल करना है दोस्तों यकीन मानिए ये ट्रेनिंग मिस मत कीजिएगा ये वो गोल्डन ट्रेनिंग है अगर आपने अपनी लाइफ के दो दिन दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूं एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आपका कोई भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा मैं और मेरी पूरी टीम आपको वहां पे मिलेगी मेरे साथ में आपको इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट वहां पे मिलेंगे आपका जो भी डाउट होगा ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा आपको जो भी नेटवर्क लगेगा ऑन द स्पॉट आपको दिया जाएगा ताकि आप जब वहां से निकलो तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में आत्मविश्वास के साथ में निकलो कि अब मेरा नाम मेरे माल पे आएगा मेरी पैकेजिंग पे आएगा और वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो आइए दोस्तों इस गोल्डन मूवमेंट के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए या तो सेमिनार में आइए इस सेमिनार का पार्ट बनिए दोस्तों स्पाइसेज में अगर आपको काम करना है तो यकीन मानिए इससे बढ़िया लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिल पाएगी यह मेरा दावा है क्योंकि ये वन एंड ओनली सॉल्यूशन है जो आपको स्पाइसिस एक्सपोर्ट के साथ साथ में बाकी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की एक अलग थ्योरी एक अलग मैनेजमेंट थ्योरी एक स्ट्रेटेजिकल थ्योरी आपको प्रोवाइड करता है तो आइए 27 तारीख को नासिक में मिलते हैं मैं और मेरी पूरी टीम आपका इंतजार करेंगे दोस्तों बुकिंग करवा लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट होती है और आईसीडी में भी जाना है जहां पे भी हमें सारी चीजों को समझना है इस बार हो सकता है मेरा एक्साइटमेंट आप लोगों को दिख ही रहा होगा तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आप लोगों के साथ में इस जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए और अवेयर करने के लिए मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग सारी चीजों से अवेयर हो और भारत को एक बार फिर से भारत भाग्य विधाता बनाने का जो सपना है मेरा उसमें भी सहयोग करें और देश की प्रगति में योगदान करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में जय हिंद जय भारत